नमस्कार दोस्तों, आपका स्टॉक मार्केट में आपका स्वागत है। आज जो हम तीन स्टॉक जो देखने जा रहे हैं, इस वीक डेट के लिए बेहतरीन स्टॉक है। चलिए देख लेते हैं हम इसके टारगेट और स्टॉप लॉस क्या क्या रहे। और अच्छा खासा इसने 52 ब्रेकआउट भी दे चुका है। ये तीनों के तीनों स्टॉक नियर 52 वीक है या 52 वीक को ब्रेक कर चुके हैं। चलिए देख लेते हैं ये कौन से स्टॉक है। जो हमारा पहला स्टॉक निकल के आ रहा है वो हिंदुस्तान कॉपर। 1 वीक टाइम फ्रेम में देख सकते हैं आप, इसके अंदर अच्छा खासा इसमें राउंडिंग पैटर्न हमें बनते हुए दिख रहा है या मल्टीपल टाइम हमें रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। यहाँ इसको बोल सकते हैं राउंडिंग पैटर्न देखने को मिल रहा है। यहाँ पे एक बड़ा कैंडल देख सकते हैं आप, इसके ना इसने ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे दिया। और यहाँ पे देख सकते हैं वॉल्यूम भी कितना अच्छा इसमें बढ़ते हुए आपको मिल रहा है। अच्छा खासा इसमें वॉल्यूम के साथ आपको इसमें ब्रेकआउट भी दे चुका है। एकदम बुलिश कैंडल आपको ब्रेकआउट दे चुका है। इसके अंदर आप इसके अंदर बाइंग पोजिशन आप बना सकते हैं। कल के दिन इसके अंदर बाइंग पोजिशन बना सकते हैं। तो आपका ये रेंज रहेगा 150 का, जो देख रहे हैं आप ये 150 का रेंज रहेगा। इस रेंज में आप इसको बाय कर सकते हैं। ये थोड़ा बहुत यहाँ पे रिट्रेस करेगा तो आप इसको इस रिट्रेस पे भी इसको बाय कर सकते हैं। देख सकते हैं इसका रिट्रेस, क्योंकि ये इतना बड़ा कैंडल क्लोज हुआ है तो थोड़ा बहुत रिट्रेस करेगा तो इस लेवल पे आप इसको 146 या 150 के रेंज में आप इसको बाय कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है, अच्छा खासा फंडामेंटल भी स्टॉक है। आपको इसके अंदर अच्छा खासा प्रॉफिट बना के दे सकता है। ये 15% का प्रॉफिट तो आराम से ये बना के दे सकते हैं। चलिए देख लेते हैं हम इसके टारगेट और स्टॉप लॉस क्या निकल के आ रहे हैं। हमारा टारगेट जो हमारे यहाँ से निकालते हैं हम, सकते हैं दोस्तों हमारा टारगेट हमारा निकल गया। हम देख लेते हैं कितना हमारा इसमें कितना परसेंट हमारा इसमें टारगेट निकलते हुए दिख रहा है। अगर आपने इस 50 150 की रेंज में आपने इसको बाय के, जो आपका स्टॉप लॉस कम से कम इस कैंडल का लो रहेगा, कम से कम ये 13% का इसमें स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है। लेकिन प्रॉफिट भी इसमें अच्छा खासा निकलते हुए आपको दिख रहा है। देख सकते हैं दोस्तों कम से कम 30% का इसमें प्रॉफिट हमें निकलते हुए दिख रहा है। बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है। आपको इसको स्विंग ट्रेड और शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए भी कंसिडर कर सकते हैं। देख सकते जो इसका लो जो इसका हाई है 196 का इसका हाई है, इसका ये प्रॉफिट निकलते हुए हमें दिख रहा है। बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है। आप इसको भी स्विंग ट्रेड और शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए कंसिडर कर सकते हैं। जब भी आपको 50% गेन हो जाए तो आपका जो स्टॉप लॉस है उठा के एंट्री पॉइंट पे ला दीजिएगा और इसे भी बड़े बड़े टारगेट के लिए आराम से बैठ सकते हैं। जो स्विंग ट्रेडर है, जो आपका जो प्रॉफिट है 30% का, वो 30% वो लेके निकल जाएगा। जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर है, जो 3 महीने या 6 महीना बैठना चाहते हैं, वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज कर करके 5-6% तक का मूव देने के बाद ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करके आप इसके अंदर अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं और लंबा लेके जा सकते हैं। 3 महीने 6 महीने तक भी इसको होल्ड करके रख सकते हैं। अच्छा खासा स्टॉक है ये, तो इसके अंदर भी आप अच्छा खासा इसमें प्रॉफिट बना सकते हैं। स्विंग ट्रेडर है वो आपका जो टारगेट है 30% का, वो टारगेट लेके निकल जाए, और शॉर्ट टर्म ट्रेडर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करके और भी इसमें बड़ा टारगेट प्रॉफिट बना सकते हैं। जो हमारा दूसरा स्टॉक निकल के आ रहा है वो है, देख सकते हैं ग्रीन वेल 1 वीक टाइम फ्रेम में। इसमें भी देख सकते हैं इसमें कप एंड हैंडल टाइप हमें बनते हुए दिख रहा है पैटर्न। देख सकते हैं ये कप, ये हैंडल है हमारा। इसमें अच्छा खासा ये वॉल्यूम भी देख सकते हैं। वॉल्यूम के साथ अच्छा खासा इसमें ब्रेकआउट भी हो चुका है। बस हमारा यहाँ पे अभी फिलहाल पोजीशन नहीं बनी हुई है। देख सकते हैं दोस्तों इसके अंदर देख सकते हैं दोस्तों कि इसके अंदर हमारा वॉल्यूम अच्छा खासा इसमें बढ़ते हुए हमें दिख रहा है। वॉल्यूम बढ़ के हमारा इसके अंदर इसने ब्रेकआउट दे चुका है। देख सकते तो अच्छा खासा इसमें ब्रेकआउट भी मिल चुका है हमें। अभी यहाँ है कि इसमें पोजीशन हमें बनानी नहीं है, मैं यहाँ पे अभी रिट्रेस का वेट करना है। यहाँ पे अभी थोड़ा सा रिट्रेस होएगा। यहाँ पे थोड़ा सा रिट्रेस होने के बाद हमें ये 2315 जो इसकी रेंज है, इसी रेंज में थोड़ा सा ऊपर या थोड़ा सा नीचे, इसके नीचे तो नहीं बाय करना है क्योंकि इसके इधर नीचे रेड कैंडल क्लोज होगी तो वो नेगेटिव हो जाएगा तो ज़्यादातर स्टॉप लॉस लिमिट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। आपको इसी किसी रेंज में जो यहाँ पे थोड़ा सा रिट्रेस करेगा कैंडल, थोड़ा सा यहाँ से यहाँ पे रिट्रेस करेगा। यहाँ पे रिट्रेस करने के बाद इसी किसी रेंज में 2439 या इसी किसी रेंज में आपको को बाय कर लेना है। देख सकते हैं इसके अंदर 2389 या 2409 ऐसी, जब भी थोड़ा सा रिट्रेस करने का है तभी इसी किसी रेंज में आप इसको बाय कर लीजिए। तो जो आपका स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है बता देता हूँ मैं आपको, आपका स्टॉप लॉस इस कैंडल का लो लगा दीजिए। देख सकते हैं कितना परसेंट हमारे इसमें स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है।
अगर आपने इसी किसी रेंज में बाई किया, 249 के रेंज में आपने बाई किया, तो स्टॉप लॉस कम से कम यहाँ पे निकल के आ रहा है, 10% का हमारा इसमें स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप ना इसमें थोड़ा सा रिट्रेस का वेट कीजिएगा। यहाँ पे अगर रिट्रेस होएगा ना, तो हमारा स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा, या 5 से 6% का हमारा इसमें स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो आप इसको थोड़ा सा रिट्रेस के लिए वेट कीजिएगा, और देख लेते इसके टारगेट हमारा कितना निकल के आ रहा है। हमारा टारगेट हम यहाँ से निकलते हैं, देखते दोस्तों इसके अंदर भी हमारा इसमें 19% का हमारा इसमें टारगेट निकलते हुए दिख रहा है, बेहतरीन टारगेट हमारा इसमें निकलते हुए दिख रहा है। स्टॉप लॉस भी हमारा का रिट्रेस पे हम इसको छोटा कर लेंगे, और अच्छा खासा इसमें टारगेट भी हमारा निकलते हुए दिख रहा है, वॉल्यूम भी अच्छा खासा इसमें बढ़ते हुए दिख रहा है। तो आप इसको भी अपने स्विंग ट्रेड के लिए कंसिडर कर सकते हैं। कभी भी आपका 50% इसमें गेन हो जाए, तो आपका स्टॉप लॉस उठा के एंट्री पॉइंट पर ला दीजिएगा। इससे भी बड़े बड़े टारगेट के लिए आराम से इसमें बैठ सकते हैं, बस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ करके इसमें भी लंबा जा सकते हैं। आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर है, वो 3 से 4 महीना या 6 महीना होल्ड करना चाहते हैं, तो वो 5-5, 6-6% जाने के बाद आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ कीजिए। और जो स्विंग ट्रेडर है वो 19% तक का इसके अंदर प्रॉफिट लेके तो बाहर हो सकते हैं। ये भी बहुत बेहतरीन स्टॉक है, आप इसको भी एज ए स्विंग ट्रेड कंसिडर कर सकते हैं। और जो हमारा तीसरा स्टॉक निकल के आ रहा है वो है भारत फॉग 1 वीक टाइम फ्रेम में, देख सकते हैं इसके अंदर भी अच्छा खासा पैटर्न हमें बनते हुए दिख रहा है। राउंडिंग पैटर्न हमारा इसमें भी इसमें बनते हुए दिख रहे, देख सकते हैं राउंडिंग पैटर्न हमारा बनते हुए दिख रहे हैं। इसमें देख सकते हैं यहाँ पे एक बड़े वॉल्यूम के साथ हमें ब्रेकआउट नहीं मिला था पिछले वीक में, लेकिन इस बार हमें इसमें ब्रेकआउट भी मिल चुका है दोस्तों, अच्छा खासा इसमें भी ब्रेकआउट भी हमें मिल चुका है, देख सकते हैं। इसके पिछले वीक हमारा इसमें अच्छा खासा वॉल्यूम भी बढ़ा था, इसके वॉल्यूम भी बढ़ा था और कैंडल भी बढ़ी थी, लेकिन इसमें ब्रेकआउट नहीं मिला था, लेकिन इस बार सस्टेन करके उसने ब्रेकआउट भी दे दिया है, तो अच्छा खासा इसमें ब्रेकआउट भी मिल चुका है, ये ऊपर जाने के लिए रेडी हो चुका है। अच्छा बस इसको इसके अंदर बस क्या है कि आपको इसी रेंज में बाय कर लेना, या से या तो थोड़ा सा रिट्रेस होने देना है, क्योंकि आपका जो स्टॉप लॉस है वो कम हो जाएगा। अब जब भी इसका स्टॉप लॉस कम हो जाएगा, तो अब इसको आपका जो स्टॉप लॉस है वो 850 का, ये 850 का इसका स्टॉप लॉस है, तो इसके ये 850 आप लगा सकते हैं स्टॉप लॉस। ये देख लेते कितना परसेंट हमारा इसमें स्टॉप लॉस निकलते हुए दिख रहे हैं। अगर आपने थोड़ा सा रिट्रेस पे बाय किया, इसके हाफ कैंडल पे 919 के रेंज में बाय किया, थोड़ा सा रिट्रेस पे इसके हाफ कैंडल पे बाय किया, तो जो स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है वो है कम से कम 7.6% का हमारा इसमें स्टॉप लॉस निकलते हुए दिख रहा है। ये भी बेहतरीन स्टॉक है, इसको भी एज ए स्विंग ट्रेड कंसिडर कर सकते हैं आप। देख लेते इसका टारगेट हम यहाँ से निकालते, टारगेट हम देख लेते टारगेट, देख सकते इसमें 15% का हमारा इसमें टारगेट निकलते हुए दिख रहे थे, ओके इसको भी एज ए स्विंग ट्रेड कंसिडर कर सकते हैं। आपका जो थोड़ा सा रिट्रेस होने दीजिएगा, रिट्रेस हो जाएगा तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो कम हो जाएगा, और आप इसके अंदर भी इसको भी लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए और स्विंग ट्रेड के लिए इसको बाय कर सकते हैं। जब भी आपका 50% गेन हो जाए, जब भी आपका 50% गेन हो जाए, तो इसका स्टॉप लॉस उठा के एंट्री पॉइंट पे ला दीजिएगा, और इससे भी बड़े बड़े टारगेट के लिए आराम से इसमें बैठ सकते हैं। 5 से 6% जब भी गेन हो, तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो मूव करते जाइएगा, और आराम से इसके अंदर अच्छा खासा प्रॉफिट आप बना सकते हैं। स्विंग ट्रेडर है वो आपका जो प्रॉफिट है 15% का, वो प्रॉफिट लेके निकल जाएगा। स्विंग ट्रेडर जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर है वो 3 से 6 महीने तक आराम से इसके अंदर बैठ सकते हैं, और ये अच्छा खासा ये आपको प्रॉफिट बना के दे सकते हैं आने वाले टाइम में। आई होप आपको हमारा ये एनालिसिस अच्छा लगा होगा, और अगर हमारा ये एनालिसिस अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट जरूर कर दीजिएगा।